हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत राधावत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी रोड मैन। तो फाइनली सीन ये है कि अपनी राजस्थान वाली ट्रिप खत्म हो गई है। अपन ग्रीन पार्क में न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच भी देखा है और उसका ब्लॉग भी अपलोड किया है। तो भैया, ट्रिप पे जाने से पहले हमने कुछ अपने गमलों में बोया था, मतलब किसी चीज़ का बीज बोया था। अब वो जब वापस आया हूँ ट्रिप से तो देखा कि पौधा बन गया। तो दिखाते हैं लेकिन थोड़ा सिनेमैटिक वे में, ऐसे नहीं, मतलब नॉर्मल ही नहीं कुछ दिखेगा, थोड़ा मज़ा आना चाहिए, मतलब एकदम देख के दिल खुश हो जाए कि हाँ कुछ है। तो भैया, हाँ, अपन ने उगाए हैं गोभी। अभी तो छोटे से हैं मगर कुछ दिनों में बड़े हो जाएंगे, तो फिर इनका मटर करके, हाफ मटर मतलब पहले काटेंगे, छीलेंगे और खा जाएंगे, मतलब सब्जी बना के बेसिकली। तो ये एक्सपेरिमेंट था कि उगेंगे कि नहीं उगेंगे गमले में, बट अच्छे से उग गए, दो तीन उगाए अपन ने। और एक और चीज़, तो ये है वो बात जिनके बारे में कर रहे थे अपन बातें। ये जब अपन जा रहे थे राजस्थान ट्रिप पर, तो इनको छोटे छोटे से थे, इनको छोड़ के गए थे और अब आए हैं तो देखो कितने बड़े से हो गए। तो मिलवाते हैं सबको एक एक करके। तो ये जो भैया है, इन्हें शैतानी करना बहुत पसंद है। वैसे देखो एकदम भोले भाले लग रहे हैं, बट एक्चुअल में है बहुत शैतान। पूरे दिन इधर उधर घूमना, दूसरे पिल्लों के मारना, दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, अपने मोटे ताजे वेट का मतलब फुल ऑन फायदा उठाना, ये इनकी हरकतें हैं, है ना। अभी देखो कैमरे के सामने कितना सीधा साधा बना बैठा है, एक्चुअल में सीधा साधा है नहीं। तो ये जो भैया हैं, ये है कालू। जैसे नाम देख रहा हूँ वैसी इनकी हरकतें हैं, नाम भी कालू है मतलब एकदम, और कलर तो है ही इनका कालू वाला, और इनकी हरकतें भी बहुत हैं। इनको छोड़ देते हैं नहीं तो ये परेशान हो जाएंगे। तो भैया कालू हैं, ये हैं अति दुष्ट टाइप के प्राणी, मतलब ये ना गोद में, जैसे नंदू भाई साहब हैं गोद में आके शांत हो जाते हैं, इनको हमसे कोई मतलब नहीं। इनको मतलब है जब इनको खाना मिले, बाकी टाइम इनको चाहिए पूरे दिन मस्ती खोर आदमी, कभी इधर घूमेंगे कभी उधर घूमेंगे और सब तोड़फाड़ करते रहेंगे। तो ये जो हैं, ये हैं छुनछुन, मतलब छुनछुन इसलिए इनका नाम क्योंकि ये बहुत छोटी हैं और दूसरा बहुत चुनकती रहती है, मतलब इधर जाना उधर जाना इनका काम यही है, इधर घूमा उधर घूमा और पूरे दिन चिल्लम चिल्ली काटना, मतलब भूख सबसे ज़्यादा कमज़ोर ये है। लेकिन अगर कोई घर में जो सबसे ज़्यादा भूख से जितने भी पिल्ले हैं कोई काटता है ना, वो यही है, मतलब ये छत पर रहते हैं एक्चुअल में और वहाँ पर से आके चाँव 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 लगाने रहते हैं। और ये देखो नंदू और छुनछुन के साइज़ में डिफरेंस देखो, ये भाई बहन है, मतलब ये एक साथ बॉर्न बेबी है। और डिफरेंस देखो भाई, नंदू मतलब 4-5 गुना ज़्यादा है, कैमरे में उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन अब समझ में आ रहा होगा। देखो तो नंदू हैं अति मतलब सीधे साधे हैं बट शैतानी करते हैं जब गोद में नहीं होते हैं। और ये इनका परमानेंट है, ये देखो अभी भी चालू रहेंगे। थोड़ा कैमरे को देख के साए हो गई हैं शायद, नहीं तो मज़े ये भी पूरे लेती हैं कालू की तरह। ये है कैंडिडेट भैया नंबर 4। अभी तक आप नंदू से मिले, कालू से मिले और छुनछुन से मिले। ये है गिल्लू, और गिल्लू थोड़ा सा डर लगता है इनको, मतलब पास आने में मतलब बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं। ये सबसे अलग रहते हैं और सबसे सीधा प्राणी है सारे उसमें, है ना। और मतलब क्या ही बताएं इनके, मतलब अभी पास में है ना तो भी डर रहा है, तो इनको छोड़ देते हैं। जैसे कालू को छोड़ दिया क्योंकि कालू कति आक्रामक प्राणी है, वैसे गिल्लू थोड़ा सा मतलब सीधा साधा है, उसको डर लगता है इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो रहा है, इसलिए हमने गिल्लू को दिया है छोड़। वैसे गिल्लू ज़्यादा मस्ती खोर नहीं है, जाके शांति से इधर उधर लेटा रहता है, सोता रहता है। तो ये है लास्ट प्राणी, इनका नाम है बिंदु, और ये नंदू के लगते हैं बिल्कुल सगे भाई, अपने भाई, मतलब नंदू और ये देखने में बिल्कुल सेम है, बस नंदू थोड़े ज़्यादा मतलब तंदुरुस्त टाइप के हैं और बिंदु उतने ज़्यादा नहीं है, नंदू से भी डबल है। वैसे अगर नंदू के बाद अगर तंदुरुस्ती में नाम देखा जाए तो वो है कालू, और बिंदु जो है ये है क्राइम पार्टनर। वैसे इनको दो पैरों पे उड़ने का बड़ा शौक है, ये जैसे ही आते हैं ना तो ये दो पैर उड़ के ऐसे भागना चाहते हैं हमेशा, इनका हमेशा का यही सीन है। नंदू की तरह एक भी नहीं है, बाकी चुनचुन भी ठीक है, बिंदु भी ठीक है, लेकिन आज ये थोड़े से परेशान है। एक्चुअल में इनको सुबह मार पड़ी है, मार इसलिए पड़ी है क्योंकि ये शैतान ही दे रहे थे, ये चीज़ों को काटने में एक्सपर्ट है, कुछ भी आपकी स्लीपर दिख जाएगी तो तुरंत काट देंगे।